हे गाइज, वेलकम बैक टू स्विच रिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं लेजेंडरी मीम्स 2.0 चैनल से एपिसोड 44। वाह दीदी वाह, क्या सीन है, पब्लिक मीम्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। मी वर्सेस कोच, ये होता है लिटरली, बहुत ज्यादा होता है। वाओ, डम कोच ने कितने बढ़िया से किया। कोच को भी देख लेता भाई, पर तुम लोग हो कि मेरी तरह दोनों को नहीं देख रहे हो। ये जो मैसेज मैंने अभी भेजा है, इसको डिलीट कर दो। हाँ ठीक है, कर दिया। इट्स अ सीक्रेट हम दोनों के बीच में। जो तुम्हारे पास से भेजा था वो भी कर दो। हाँ ठीक है, कर दिया। इसने मैसेज डिलीट किया है, इसने मैसेज डिलीट किया है, मैसेज इससे पूछो इसने क्या डिलीट किया है। डिलीटेड मैसेज आ जाता है। उससे जरूर घबराना जो सर्दी में भी ठंडे पानी से नहा ले, उससे डर कर भाग जाना जो भारी बीमारी में भी चार बार हिला ले। क्या बात है, अंडर ग्रेजुएट। भाई लोगों, मैं तुम्हें लड़की तो नहीं दिला सकता, लेकिन ऐसा सिस्टम सेट करा दूंगा कि तुम मुझे दुआ दोगे तो करना चाहिए। तुम अगर राइट हैंड से मुठ मारते हो तो अपने राइट हैंड से, अगर लेफ्ट से मारते हो तो लेफ्ट हैंड को। तुम्हें करना क्या है कि उस पर अपना सारा वजन डाल के लेट जाना है। 20 मिनट बाद क्या होगा, आपका हाथ सुन हो जाएगा, मतलब कॉन्शियस हो जाएगा। उस हाथ से फिर मुठ मार के देखना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम नहीं, कोई और ही तुम्हारी मुठ मार रहा है। थैंक्स मी लेटर। आइटम नंबर 93 122 134, इसको वेनसडे पे रखना है, क्योंकि क्या नाम है, फिर आप 2 वीक पे फेंका जाती है या 4 वीक पे हो जाती है। क्या आर्गुमेंट का तरीका, नहीं ये यू आर अपीयरिंग इन हाई कोर्ट, फिका जाती है और ये नहीं लॉर्ड से, वो प्रॉपरली इन हाई कोर्ट। सॉरी सॉरी लॉर्ड, फोर वीक को फिका जाती है। आइटम 193 पैदा में तो कट कर दिखा, मर्द का बच्चा है तो कट करके दिखा। मैं औरत का बच्चा हूँ, तुम मर्द के बच्चे तो कट करके दिखाओ। मैं दोनों का हूँ, मैं कट क्यों करूँ? तू काटना भाई। अरे क्या कुत्ता हूँ क्या? हाँ तू है। क्या तू है? वो व्हाइट वाला छोटा सा, और तुम वो पमेलियन। मैं वही बोल रहा था तेरे को, तू पमेलियन है। पहली बात तो पमेलियन नहीं होता है, पोमेरेनियन होता है। क्या है पोमेग्रेनेट की? पमेलियन डॉग बोला मैं, पोमेग्रेनेट अनार होता। हौली अनार तेरी गाप में छिलके। जब मैं यहाँ एयरपोर्ट पर उतरा, एयरपोर्ट वाशिंगटन के, और सड़कों पर चल के आया तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश की सड़कें यूनाइटेड स्टेट से ज्यादा बेहतर है। ब्रो सुनना है, क्वेश्चन पूछूं? तुझे पता है अकबर ने अनारकली को दीवार में क्यों चुना दिया? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उस टाइम सूटकेस और फ्रिज नहीं हुआ करते थे। तुमको तो टेस्टी लगेगा ही, पैसा तो मेरा लगा है ना। अभी हम दोनों चला जाएगा ना, तो तुम मनाते रह जाए अकेला भाई। रुक जा, चला जाया तो भाई बनाते, चला जाया, जा जा निकल, चल अभी से, चल जा। और एक बार बना, तुम हम असली में चल रहे हम लोग, समझा? आज बार माफ कर दे, एक बार माफ कर दे, अभी से छोड़ दे इसको। क्या है इतने अच्छे गाने के, अच्छा अकबर शिकार करके वापस लौटे तो उनके पास एक 12 इंच का छोटा सा प्यारा सा घोड़ा था, जिसे देखकर बीरबल ने पूछा कि जहाँ पना आपको ये घोड़ा कहाँ से मिला?
अकबर ने बताया कि जंगल में एक बाबा रहते हैं, उनसे जो मांगो वो देते हैं। बीरबल ने कहा कि मैं भी बाबा के पास जाकर अपने लिए कुछ मांगता हूँ। अकबर ने कहा कि जरूर जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि बाबा सिर्फ एक ही मुराद पूरी करते हैं और उनको सुनाए भी कम देता है। इतना सुनने के बाद बीरबल बाबा के पास गया और उनसे एक बोरी भरकर हीरे मांगे। जैसे ही घर आकर बीरबल ने बोरी खोली तो उसमें हीरे की जगह हीरे निकले। तभी बादशाह अकबर चिल्लाकर बोले, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बाबा से 12 इंच का घोड़ा मांगा होगा? What we do when we are bored? Eish. Who do you think you are? You will pick up today. Eish. आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैं ऐसी ही हमेशा ऐसे खुश रहती हूँ? नहीं, कभी मैं इससे ज्यादा भी खुश होती हूँ। There are two types of friends. मैं सच बताऊं, हमारी जोड़ी ऐसी ही है। बहुत सही, मेडिटेशन गया तेल लेने। अपन तो अपनी चॉकलेट खत्म करेगा। तुम्हें पानी पीना है। तो अब देखो क्या करते हैं। और बताओ डैडी, तू बता भाई डैडी को कुछ बताओ, जो बंदे देख रहे हो ने, कोई लाइफ टिप दो, जिंदगी की टिप। टिप इसके कहने पे मत चलना, ये भोसड़ी का पागल है। खड़गपुर, वेरी गुड इवनिंग। I feel really blessed to get this opportunity to present myself, to express my words in front of you. So my name is Diksha Haryal and I am from Uttarakhand. I am pursuing my BTech from University of Petroleum and Energy Studies. And basically, hamara idea dyslexic people pe based hai. Dyslexic people, dyslexic bacche aise bacche hote hain jinki learning aur writing pace bahut zyada slow hota hai, but unki intelligence aur creativity level kafi acha hota hai. Jaise ki हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी? गुड सेंस ऑफ ह्यूमर सर। तो सर बेसिकली तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। आरोनियन फैशन स्टोनिया अगर उतर बात सुनेंगी। बेकार नहीं नौटंकी। वाह ओह माय गॉड, ही सो स्कैर्ड। Don't. Wait. Bade. Baat sahi. Oh my god. Oh my god. हे भगवान, उसका मुंह कैसा सूज गया बेचारे का। आई एम फॉर दिस।
Then my head hit the wall. ¿Cuánto cuesta ese animalito? No, पीछे को गिरेगी, नहीं गिर, ओके, आको, cats are so rude. Ronaldo and Messi. Don't let what? He's using his ball. He didn't. Bella! Oh, this place really. ये पता क्या, ये कार्टून मैंने बहुत बार देखा है, एनिमेशन मैंने बहुत बार देखा है, ठीक है. और मतलब विदाउट एनी रीज़न, मैं बस जैसे बिस्तर पे पड़ी हूँ, कुछ ऐसा करने को नहीं है, कुछ मन नहीं कर रहा है ना, बस ना खाने को मन कर रहा है, ना पानी पीने को मन कर रहा है, ना कुछ और कहीं आउटिंग पे जाने का मन कर रहा है, कुछ नहीं, जस्ट आलसी की तरह एकदम बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ, ठीक है. तो इस टाइप के एनिमेशन लाइक ये वाला जो ये कीड़े वाला, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, सॉरी, ये वाला एनिमेशन है. और वो आंट्स वाला, आंट्स का आई थिंक आप लोग ने वो एंट्स का एनिमेशन देखा होगा शायद. ओके. इस टाइप के साइलेंट एनिमेशन देखने में, साइलेंट स्टोरी देखने में मुझे इतना मज़ा आता है, सीरियसली, मतलब मैं घंटों देख सकती हूँ इसे, घंटों, लिटरली घंटों देख सकती हूँ, ठीक है. तो ये देखे जा रही हूँ, कोई सेंस नहीं बनता. ऐसा ही वो पेंगुइन स्टोरी, वो भी ऐसा ही है, उनका बस एक छोटी छोटी स्टोरीज चलती रहती हैं उनकी, है ना, और बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगती है यार, बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल लगती है. और इन जैसी कहानियों में, इन जैसी स्टोरीज में ऐसा लगता है यार, सोचते हैं, जस्ट इमेजिनेशन पर बेस्ड होता है. सोचो ये पूरा एक ह्यूमन की क्रिएशन है, एक इमेजिनेशन है कि हाँ, जो बग्स, ठीक है, जो कीड़े या जो लार्वा, लार्वा याद आ गया, लार्वा ओके. जो लार्वा ये आपस में ज़िंदगी में कैसे रहते होंगे, है ना, इनकी डेली लाइफ कैसी होती होगी, ओके. सो वो दिखाया जाता है यहाँ पे. और सीरियसली यार, दिस इज़ सो डैम एडिक्टिव, ओके. मतलब आप भी अगर एक बार देखने लगोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आधे एक घंटे से पहले उठने वाले हो वहाँ से, ठीक है. क्योंकि यार ये होते ही ऐसे, इतने अट्रैक्टिव से स्टोरीज होती हैं इनकी, एकदम बिंज वॉचिंग वाली, ठीक है. तो कुछ ऐसा लगता है भाई, जिसको एनिमेशन में, कार्टून्स में, इन सब में इंटरेस्ट है, तो वो ऑफकोर्स देखेंगे, उन्हें ऑफकोर्स ये चीज़ पसंद आएगी, ओके. और एक वो भैया वो पॉट में, आई मीन वो जो इंडियन सीट होती है, ठीक है, उस में सांप था, आई थिंक वो सांप ही था ना, स्नेक था शायद. ओ माय गॉड, दैट वाज सो स्केरी मैन, सो स्केरी. सोचो अगर कोई बिना देखे मतलब रात में टॉयलेट करने के लिए उठा है, ठीक है, आंख मलता हुआ जा रहा है वहां, वो टॉयलेट करने के लिए बैठा एंड देन उठा ही नहीं, क्या होगा. That's so scary, man. So, I hope आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा. अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना. और तुम लोग के साथ ऐसा कभी होता है ना, लाइक ये नेचुरल है यार, कभी भी बरसात वगैरह में देखो तो आपके घरों में कीड़े मकोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं. इसीलिए बोलते हैं कि साल में एक बार पेस्ट कंट्रोल अपने घर में ज़रूर करना चाहिए, है ना, मतलब दवाई वगैरह छिड़क दो, पूरा पेस्ट कंट्रोल वाला सिस्टम कराने की ज़रूरत नहीं है, आप दवाई वगैरह डाल दो. और कई सारे ऐसे क्योर्स होते हैं, घर में सफाई वगैरह रखो, तो ये हो जाता है कि हाँ
थोड़े कीड़े मकौड़ों से दूर रहते हैं, ठीक है। तो बाथरूम एक ऐसी जगह होती है, ऐसी जगह होती है, ओके। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, ओके। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।